गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको शीघ्र यानी कि बहुत ही जल्द अपार धन दौलत और हर तरह की प्रॉपर्टी पाकर एक बहुत ही धनवान व्यक्ति बनने के मोस्ट पावरफुल यानी कि सबसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बता रही हूँ, जिससे साधक लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करके अपनी हर मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी कर सकता है। इस उपाय को करने की विधि बहुत ही सरल और आसान होने के कारण इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति बिना परेशानी से कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है और आगे इस वीडियो में मैंने एक सिर्फ 9 अंकों का संख्यात्मक यंत्र बताया है, जिसे साधक एक सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग के स्याही के पेन से बना सकता है या एक भोजपत्र पर अष्टगंधक की पेस्ट बनाकर उससे लिख सकता है। अब मैं आपको यंत्र बता रही हूँ कैसे बताना है और उसके बाद लक्ष्मी नारायण का छोटा सा लेकिन महाशक्तिशाली मंत्र बताऊंगी। अब मैं आपको धन प्राप्ति यंत्र कैसे बनाना है वह बता रही हूँ। नमूने के तौर पर मैंने सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही के पेन से यह यंत्र बनाया है। यह देखिए, पहले मैंने एक स्क्वायर निकाला है और उसके अंदर छोटे 9 स्क्वायर है और उसमें कुछ अंक लिखे हैं। अंक तो मैंने हिंदी में लिखे हैं, अगर आप चाहे तो इन्हें अंग्रेजी में या अपने मातृभाषा में भी लिख सकते हो। अंक इस प्रकार से है: 11, 88, 55, 77, 22, 44, 66, 110 और 33। यंत्र बनाने के बाद आपको यंत्र के सामने धूप, अगरबत्ती और दिया प्रज्वलित करके उसकी एक छोटी सी पूजा करनी है और आगे बताए हुए लक्ष्मी मंत्र को 11, 21 या 108 बार बोलना है। ऐसा करने से यह संख्यात्मक यंत्र लक्ष्मी नारायण के मंत्र के शक्ति से अभिमंत्रित हो जाता है। इसके बाद आप इस यंत्र को एक सोने, चांदी या स्टील के तावीज़ में भरकर अपने गले में धारण कर सकते हो या लैमिनेट करके आप अपने जेब, बटुए में या पर्स में भी रख सकते हो। अब मैं आपको लक्ष्मी नारायण मंत्र बता रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है: ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। साधक इस मंत्र को हर दिन सवेरे या शाम को 11 बार बोल सकता है। धन का आकर्षण करने के लिए यह एक महाशक्तिशाली उपाय है, जिसके साथ विशिष्ट नियम और बंधन नहीं है, लेकिन साधक ने हो सके उतना स्वच्छता का पालन करना उचित होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।